कैसे आप सब लोग, मैं हूँ शनेश्वरी और मेरे चैनल मुंबई का शरण में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ समांतर सीरीज के बारे में। इस सीरीज को मैंने जस्ट अभी अभी देख के फिनिश किया है और मैं अभी रिव्यू देने बैठी हूँ, लेकिन अभी भी मैं थोड़ी सी ऐसी सुन्न हो गई हूँ क्योंकि ये सीरीज देख के हालत मेरी कुछ अजीब अजीब हो गई है। मैंने बहुत दिनों बाद इतने अच्छे कॉन्टेंट की सीरीज देखी है और आई एम सो हैप्पी कि मैंने अभी देख के इसे फिनिश किया है। और मैं अभी एक ही लाइन में आपको जो बताना चाहूंगी, जस्ट ऑसम, बहुत ही सुपर है ये सीरीज। ये सीरीज चार लैंग्वेज में अवेलेबल है, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु। बेसिकली ये मेन मराठी लैंग्वेज में तैयार की गई है, तो मराठी की अलग अलग लैंग्वेज में इसे डब किया गया है। लेकिन मैंने ये सीरीज मराठी में देखी है तो मुझे ये काफी अच्छी लगी, क्योंकि डब लैंग्वेज में देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वर्डिंग थोड़ी यहाँ वहाँ हो जाती है तो इतना मजा नहीं आता है। लेकिन मैंने ये ओरिजिनल मराठी में ही देखी है तो मुझे काफी मजा आया ये सीरीज देखने में। अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या सीजन टू देखने के लिए सीजन वन देखना जरूरी है, तो हाँ भाई, सीजन टू को समझने के लिए आपको समांतर का सीजन वन देखना काफी जरूरी है, क्योंकि दोनों की जो कहानी है वो आपस में जुड़ी हुई है। क्योंकि सीजन वन की जो कहानी थी उसी कहानी को आगे कंटिन्यू किया है। अभी सीजन टू में आपको दो शेड में कहानी देखने को मिलने वाली है, एक चक्रपाणि की कहानी और एक कुमार की कहानी। बात करते हैं समांतर सीजन टू की कहानी के बारे में। इसकी कहानी फर्स्ट एपिसोड में तो आपको कुछ काफी अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली है। सब कुछ हैप्पी हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है कुमार के लाइफ में। अभी उसको प्रमोशन भी मिल चुका है, उसकी वाइफ उसके पास आ जाती है, वो सब अच्छा दिखाया गया है, सब हैप्पी है। चक्रपाणि की डायरिया भी उसके पास है, अभी वो डायरिया पढ़ के वो उसके लाइफ में क्या होने वाला ये जानता है और उसमें कुछ चेंजेस करने के बारे में भी सोचता है और कुछ चेंजेस वो करता भी है। कुमार महाजन को ऑफिस की तरफ से उसे बंगला भी मिलता है रहने के लिए और गाड़ी भी मिल जाती है, उसकी लाइफ अभी काफी सेट है। चक्रपाणि की जो दिखाई गई है लाइफ वो भी सेम ही है, उसके लाइफ में भी इस एपिसोड में खूब सारी खुशियां दिखाई गई है। और सेकेंड एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि दोनों के लाइफ में एक औरत की एंट्री हो जाती है, चक्रपाणि के लाइफ में सुंदरा की, कुमार महाजन के लाइफ में मीरा की एंट्री हो जाती है। कुमार को डायरी पढ़ने के बाद पता होता है कि उसके लाइफ में किसी औरत की एंट्री होने वाली है, तो वो बहुत कोशिश करता है अवॉइड करने की। वो हर एक औरत को अवॉइड करने लगता है, लेकिन वो जितना वो अवॉइड करने की कोशिश करता है उतनी ही वो औरत उसके पास आती जाती है और न चाहते हुए भी उस औरत की कुमार के लाइफ में एंट्री हो जाती है। शुरुआत के कुछ एपिसोड में कहानी थोड़ी स्लो लगेगी आपको, लेकिन ये स्टोरी की जरूरत है क्योंकि पूरी तरह से उनको एक्सप्लेन करना है, दोनों कहानियां एक साथ दिखानी है। और जो दोनों कहानी एक साथ उन्होंने दिखाने की जो कोशिश की है वो काफी अच्छी लगती है, क्योंकि जो महाजनी की कहानी है वो कलरफुल दिखाई गई है और चक्रपाणि की जो कहानी है वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई गई, वो काफी अच्छा लगता है देखने में। और जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है वो भी काफी अच्छा उन्होंने यूज किया है, और जो लोकेशन है शूटिंग के, जो भी लोकेशन उन्होंने चूज किए वो भी काफी अच्छे हैं। एपिसोड 6 के बाद कहानी थोड़ा स्पीड पकड़ती है और आपको बहुत सारी चीजें मतलब अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलने वाली है। इसमें क्लाइमेक्स में जो सस्पेंस और राज खुलते हैं उसे तो आप देख के स्टंट रहने वाले हो, क्योंकि आपने उम्मीद भी नहीं की होगी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं अभी यहाँ पर इस सीरीज की पूरी कहानी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये कहानी आप खुद देखें और खुद इसको एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये कहानी तो अभी फ्री में अवेलेबल है एमएक्स प्लेयर पर, तो कोई भी इसे देख सकता है। इसके लिए कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके आपको 10 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, हर एपिसोड की लेंथ कम से कम 25 से लेकर 30 मिनट की है और लास्ट एपिसोड थोड़ा सा छोटा है। मुझे ये सीरीज इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि जो मराठी बुक है सुहास शिरवाल जी का समांतर, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, तो मैं बुक और ये सीरीज को दोनों को कंपेयर करके देख रही थी कि उसमें क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो थोड़े बहुत तो चेंजेस है, बुक में जो लिखा है उसे थोड़े से सीन्स उन्होंने चेंज कर दिए हैं। इस तरह से कहानी को एग्जीक्यूट किया है वो काफी अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी तो काफी अच्छी है और कैमरा एंगल जो आपको देखने को मिलेगा वो भी काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। समांतर 2 की जो कहानी है उस कहानी को बुक की स्टोरी से अगर कंपेयर करें तो कुछ क्लाइमेक्स के जो सीन है वो काफी चेंज कर दिए है उन्होंने, और लेकिन एंडिंग जो दिखाई गई है वो सेम टू सेम बुक की है, जो बुक में लिखी गई है वो सेम टू सेम स्टोरी आपको एंड में देखने को मिलने वाली है। ये सीरीज काफी अच्छी लगी है और मेरी तरफ से ये सीरीज आपके लिए हाईली रिकमेंडेड सीरीज है। हाँ गाइस, इस सीरीज में आपको कुछ थोड़ी बहुत गालियां भी सुनने को मिलने वाली है और एक आध अडल्ट सीन भी देखने को मिलेंगे, तो आप ये सीरीज फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। तो आई होप गाइस मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।